हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज स्ट्रिंग पोस्टमार्टम का लास्ट पार्ट है। इसमें मैं आपको सारी चीज़ें कवर कर दूंगा, जितने भी हमारे पिछली बार के बच गए थे वो इस बार हमारे प्रैक्टिकल में सारे कंप्लीट हो जाएंगे। स्ट्रिंग का ये लास्ट पार्ट है, इसके बाद आप स्ट्रिंग के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे आप इंटरव्यू में क्रैक कर सकते हैं। सारी की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आप बस क्लिक करिएगा, वो आपको सारी लाइंस से मिल जाएगी। ऑटोमेशन के क्वेश्चन मिलेंगे, फिर स्ट्रिंग के, फिर आगे आपको लिए और भी बहुत चीज़ें आने वाली हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके पहले ही रख लेना, और टेलीग्राम चैनल ये मिलेगा आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको ये जितने भी पीडीएफ मैं आपको बना रहा हूँ, अभी जितनी भी आपको बता रहा हूँ पीपीटी में, वो सारी मैं यहीं पे शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे बस आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है और आपको यूज़ कर लेना है, ठीक है। तो और सेकंड मैंने चैनल बना रखा है क्यूए और टेस्टिंग जॉब्स और इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पे मैं जॉब पोस्ट करता रहता हूँ जितने भी फ्रेशर्स के लिए हैं, एक्सपीरियंस के लिए हैं, तो इसे भी आप ज्वाइन करके रख लीजिएगा। सेकंड दोनों चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं जल्दी से शुरू करता हूँ और बताता हूँ कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ने के लिए है और क्या चीज़ें आपको सीखने के लिए रहेगी इसमें। हाईलाइटर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे पार्ट थ्री है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन रहेगा इसमें, जो मैं आपको बताऊँगा इसमें, जो आप में हमने पिछली बार देख लिया था और कुछ रह गए थे वो हम यहाँ पर कम्प्लीट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम इंटर्न मेथड के बारे में। इंटर्न मेथड क्या करता है, ये हेल्प टू रिटर्न स्ट्रिंग फ्रॉम मेमोरी इफ़ इट इज़ क्रिएटेड यूजिंग न्यू कीवर्ड एंड वेरीफाई इन स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल। मतलब ये आपको समझ में इतनी जल्दी नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने आपको एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दूंगा, तो उसे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो आपको मिल जाएगी ये वाली लिंक आपको। जावा स्ट्रिंग इंटर्न, जावा स्ट्रिंग इंटर्न क्या करता है, ये मेथड जो होता है वो रिटर्न करता है इंटर्न स्ट्रिंग को, ठीक है। ये कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन होता है स्ट्रिंग का। यहाँ पे आप आके खुद पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। स्ट्रिंग बेसिकली क्या करता है, ये एक एग्जैक्ट कॉपी बना देता है हीप में, जो हमारे स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल में अगर बाई चांस हमारे कोई मेमोरी रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो अगर आपने इंटर्न मेथड की हेल्प से बनाया, अगर ऑलरेडी हमारा ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका रेफरेंस हमारा आ जाएगा दूसरे वाले ऑब्जेक्ट पे, अगर हमारा नहीं रखा है तो उसी स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल में जाके हमारा बनाकर आएगा, ठीक है। इंटर्न मेथड हमारा इसलिए यूज़ होता है, इससे हमारा मेमोरी भी बचता है और स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल जो हमने पहले भी देख चुका है, मेमोरी उस एज के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। तो उसके बारे में आप यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं, बहुत अच्छा लिखा हुआ है जावा टी पॉइंट्स में कि कैसे वर्क करता है और स्ट्रिंग इंटर्न मेथड करता क्या है। तो यहाँ पे आप जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये दोनों मैं एग्जांपल भी लेके बताऊंगा। जैसे अगर हम बात करें, जैसे हमने एक स्ट्रिंग बनाया str, यहाँ पे हमने लिखा वेलकम टू जावा टी पॉइंट, ऐसे हमने str1 बनाया, तो ये दोनों क्या करेगा, हमारे हीप मेमोरी में दो अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। अगर हम str1 को str से कंपेयर करेंगे तो फॉल्स प्रिंट होगा, बट अगर हम इसी से इंटर्न के हेल्प से करें तो कैसे होगा, अगर हमने बनाया न्यू स्ट्रिंग बनाया बट हमने इंटर्न मेथड यूज़ कर लिया इसके साथ, ठीक है। ऐसे ही हमने स्ट्रिंग वन बनाया, इसके साथ भी हमने इंटर्न मेथड बना लिया, तो ये इंटर्न जैसे ही आपने यूज़ किया तो ये आपका हीप में ना ले जाके ये आपके स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल में जाके आपके रख देगा, ठीक है। सेकंड वाला आप जब बनाएंगे तो आपका फर्स्ट ऑलरेडी रखा हुआ है वेलकम टू जावा टी पॉइंट स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल में, तो ये आपका रेफरेंस लाके स्ट्रिंग वन में दे देगा। तो आप स्ट्रिंग और स्ट्रिंग वन दोनों सेम ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा प्रिंट ट्रू हो जाएगा। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे भी लिख रखी है, इसके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। आपको बेसिक तो क्लियर हो गया होगा, बाकी आप चीज़ें डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगी, आपको जाके देख सकते हैं वहाँ पे। फिर इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे भी एग्जांपल ले रखा है, पहले स्ट्रिंग लिटरल से str से बनाया स्ट्रिंग, फिर इसके बाद s1 का न्यू स्ट्रिंग से स्ट्रिंग बनाया, str s2 से स्ट्रिंग बनाया न्यू से, तो इसका एक अलग ऑब्जेक्ट बना, इसका एक अलग ऑब्जेक्ट बना, ये हमारा स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल में गया क्योंकि लिटरल हमारे डायरेक्ट पूल में जाता है, ठीक है। जब हमने s3 बनाया तो s3 में हमने इंटर्न लगा दिया, तो इंटर्न में हमारा ऑलरेडी स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल में स्ट्रिंग पड़ा हुआ था, तो इसका रेफरेंस यहाँ पर आ गया। अब ठीक है, अब यहाँ इसके हिसाब से कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, इसका आप खुद ही जवाब दीजिएगा। जैसे str को str1 s1 से कंपेयर करें, इसको स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल को एक ऑब्जेक्ट से क्रिएट कर रहे हैं जो हीप में बना हुआ है, तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, हमें भी पता है। s1 और s2 दोनों अलग ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो इसलिए फॉल्स रिटर्न करेगा। s2 और s3 ये अलग ऑब्जेक्ट है, ये हमारा स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल में गया है, तो इसलिए हमारा ये फॉल्स रिटर्न करेगा। s2 को अगर हमने स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल में डाल दिया और s3 के साथ कंपेयर किया तो रिटर्न ट्रू करेगा, क्योंकि हमारा स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल में हमने s2 था, s2 को हमने इंटर्न मेथड लगा दिया, इंटर्न मेथड से क्या हुआ, ये हमारा स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल पे गया, देखा कि स्ट्रिंग टाइप का ऑलरेडी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसका रेफरेंस ला के s2 में दे दिया, और s3 का ऑलरेडी रेफरेंस था तो दोनों हमारा सेम रेफरेंस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है,
तो इसलिए हमारा ये ट्रू रिटर्न करेगा। अब अगर हम बात करें str और s1 डॉट इंटर्न की, तो ये वाला भी हमारा ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि ये str हमारा स्ट्रिंग लिटरल है, इसको अगर हमने रख रखा है और इसका हमने रेफरेंस दे रहे हैं इसी को ही, इनडायरेक्टली इसी को ही दे रहे हैं, तो ये हमारा ट्रू रिटर्न करेगा। यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, यही चीज़ें मैंने आपको पढ़ने के लिए दे रखी है। इसके अलावा भी आप क्या कंपेयर कर सकते हैं, ये आपके लिए टास्क रहेगा। जैसे s3 का आप कंपेयर करिएगा str के साथ, जैसे मैंने s1 और str और s3 को कंपेयर नहीं कर रखा, इन दोनों का आप कंपेयर करके देखिए। अलग अलग चार हैं, चार के आप कॉम्बिनेशन बना बना के देखिएगा, आपको अलग अलग रिजल्ट मिलेंगे, किसी में फॉल्स मिलेगा, किसी में ट्रू मिलेगा, तो वो चीज़ें आप यूज़ करिएगा और इंटर्न मेथड का आप यूज़ करके देख लीजिएगा, तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि क्या करता है। नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं ज्वाइन मेथड का। ज्वाइन मेथड क्या करता है कि आपको कोई भी आप डिलीमिटर देंगे उसके हिसाब से हमारे जितने भी वर्ड्स हैं वो हमारे ज्वाइन हो जाएंगे। जैसे हमें ज्वाइन करना है विद द हेल्प ऑफ डॉट, डॉट की हेल्प से हमें जितने भी स्ट्रिंग दे रखी हैं उसको हमें ज्वाइन कर लेना है। जैसे रीड मी डॉट आई एम आई डॉट एम डॉट स्ट्रिंग, ठीक है। अगर हम डिलीमिटर ये वाला लगा देते हैं डैश, तो इसके हिसाब से यहाँ पे डैश आ जाएंगे सारे पे। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके भी मैंने जितने भी रिजल्ट हैं वो यहाँ पे लिख रखा है, इसका भी रिजल्ट हमने यहाँ पे लिख रखा है, तो ये आप गो थ्रू कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं म्यूटेबल स्ट्रिंग की। म्यूटेबल स्ट्रिंग मैंने आपको बता चुका हूँ म्यूटेबल क्या होते हैं, इम्यूटेबल क्या होते हैं। म्यूटेबल में हम स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर के कुछ मेथड्स, इंपॉर्टेंट मेथड देख लेते हैं। जैसे स्ट्रिंग बफर में अगर मैंने स्ट्रिंग बनाया, ठीक है, अब ये क्या करता है, कैन नॉट बी एक्सेस बाय मल्टीपल थ्रेड साइमल्टेनियसली, हमें भी पता है कि ये सिंक्रोनाइज्ड होता है और सेकंड वाला अनसिंक्रोनाइज्ड होता है, ठीक है। स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग बफर में हमारा एक मेथड होता है, जो मेथड हमारा स्ट्रिंग बफर में होगा वो बिल्डर में भी सेम ही रहता है ज़्यादातर। स्ट्रिंग बफर में अपेंड करेंगे बफर के, तो हमारा रिटर्न होके आ जाएगा स्ट्रिंग पहले से ही था, बफर ऐड हुआ है तो स्ट्रिंग बफर आ गया। अपेंड किया बिल्डर हमने स्ट्रिंग बिल्डर वाले ऑब्जेक्ट में, तो हमारा स्ट्रिंग बिल्डर निकल कर आ गया। फिर इसके बाद बात करते हैं पहले वाले में, हमने TT जो पहला इंडेक्स है उसमें हम TT ऐड कर रहे हैं, तो पहला वाला जो है पहले वाले में TT हमने ऐड कर दिया, तो TTT आ जाएगा। तो ऐसे ही सेकंड वाले में भी स्ट्रिंग बफर के लिए, बिल्डर के लिए भी TT आ जाएगा। रिप्लेस करना है हमें 2 से लेके 3 तक, 2 से लेके 3 तक के बीच में जो भी रिप्लेस होगा वो हमारा II लिख दिया जाए, 2 से 3 तक, 0, 1, 2, 2 और 3, 2 और 3 आ जाएगा, 2 आएगा मेनली, 3 तो हमारा आएगा नहीं क्योंकि हमने, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि 3 वाला हमारा एक्सक्लूड रहता है, तो हमारा 2 आएगा, 2 में हमारा है T, इस T के बदले II हमारा ऐड हो जाएगा। ऐसे ही हमारा सेकंड वाले में भी रहेगा, बफर में भी बिल्डर में भी, ये चीज़ें आप खुद करके देख सकते हैं। स्पेस के बाद बात करते हैं रिप्लेस बता दिया, देन डिलीट करते हैं 2 से लेके 5 तक, 2 से 5 तक है मतलब 2, 3 और 4 वाला आएगा, 5 नहीं आएगा। तो यहाँ से देखें तो 2 हमारा आई है, 3 भी है और ये भी टी है, तो II हमारा हट जाएगा और ये मैच हो जाएगा, तो ये आ जाएगा स्ट्रिंग बफर दोबारा निकल कर आ गया, स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर। अगर हम रिवर्स करेंगे तो इसका रिवर्स हो जाएगा, ऐसे ही स्ट्रिंग बिल्डर का रिवर्स करेंगे तो इसका भी रिवर्स हो जाएगा। अब यहाँ पे कैपेसिटी के बारे में है, कैपेसिटी के बारे में आप सर्च करके देख सकते हैं, आप लिखिएगा कैपेसिटी इन जावा, बस आपको यहाँ पे इतना ही लिखना है, आपको मिल जाएगा गूगल पे। तो कैपेसिटी आपका बताता है स्ट्रिंग बफर म्यूटेबल के लिए मेनली यूज़ होता है। जैसे अगर हम बात करें इसकी कैपेसिटी क्या होगी, डिफ़ॉल्ट हमारी 16 रहती है, अगर आप अपेंड करते हुए आ रहे हैं तो आपका इसका फॉर्मूला होता है कि जो हमारी ओल्ड कैपेसिटी होती है उसका 2 के साथ मल्टीप्लाई हो और प्लस 2 हो जाए। ये मैंने यूज़ नहीं कर रखा क्या, अच्छा ठीक है, 16 × 2 + 2, तो मतलब हमारा अगला वाला जो आएगा वो हमारा 34 आएगा अगर हम अपेंड करते हुए आ रहे हैं। अगर हमने ऐसे करके बना रखा है कि पहले ही हमने दे रखा है, तो डिफ़ॉल्ट के साथ हमने ये वाला भी हमने ऐड कर दिया कैपेसिटी। तो इस कैपेसिटी की हम देख लेते हैं कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये टोटल है हमारे 6, डिफ़ॉल्ट हमारा होता है 16 + 6 22 हमारा रिटर्न हो जाएगा। ऐसे ही हमारे स्ट्रिंग बिल्डर के लिए भी 22 रिटर्न हो जाएगा। तो ये मैंने आपको म्यूटेबल में बता दिया स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर। अब मैंने आपको टोकन के बारे में भी बताया था, तो उसके बारे में भी देख लें क्या, चलो देख लेते हैं इसके बारे में भी क्या हो गया। उससे पहले स्ट्रिंग फॉर्मेट आ गया, सॉरी स्ट्रिंग फॉर्मेट की स्लाइड है, तो स्ट्रिंग फॉर्मेट पहले कवर कर लेते हैं। स्ट्रिंग फॉर्मेट के बारे में भी आपको सिंपल सा बता देता हूँ, ये आप करके देख लीजिएगा, इजिली आपको आउटपुट यहाँ पे सारे दिख जाएंगे। D जो हमारा होता है वो इंटीजर रिटर्न करता है, S जो होता है हमारा स्ट्रिंग के लिए होता है, अगर आप ये इसके लिए स्ट्रिंग डालेंगे तो स्ट्रिंग ही रिटर्न होके आएगा। F जो होता है हमारा फ्लोट नंबर के लिए होता है, जैसे ये है तो इसके आगे 6 डॉट और लगेंगे, 6 0 और लगेंगे, तो 902 पॉइंट फिर 60 और आएगा, 6 बार 0 आएगा,
ठीक है। एक्स जो होता है वो हमारा हेक्साडेसिमल के लिए है, हेक्साडेसिमल। तो ये हेक्साडेसिमल में इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका 65 हमारा प्रिंट होके आ जाएगा। फिर इसके बाद बात करते हैं सी। सी जो होता है हमारा कैरेक्टर के लिए होता है, ठीक है। जैसे सी है तो सी का सी निकल के आ जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं परसेंटाइल, फिर इसके बाद 0, 10, D। मतलब ये हमारा ये है कि आगे हमारे जितने भी जीरो लगाओ टोटल हमारे 10 ही होने चाहिए, टोटल डिजिट हमारे 10 होने चाहिए, ठीक है। तो 901 हमने पहले ही दे रखा है, तो 901 में से 10 में से 3 गया तो 7, 7 हमारे जीरो पीछे की तरफ लगा दो, 7 जीरो हमने लगा दिए, 3 ये रहा तो टोटल हमारा आ गया ये वाला। ऐसे ही हमारा डी। फिर स्पेस है यहाँ पे, स्पेस देखे 901 लगाया तो ऐसे ही हमारा स्पेस आ जाएगा। यहाँ पे स्पेस नहीं दे रखा मैंने शायद, अच्छा ठीक है यहाँ पे दे रखा है। आउटपुट में आप देख लीजिएगा यहाँ पे आपको स्पेस दिख जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं -D, -10D। 10 तक हमारा होना चाहिए और यहाँ पे 3 हमारा हो चुका है तो 7 स्पेसेस और ऐड होंगे और फिर इसके बाद यहाँ पे आपका लेफ्ट जस्टिफाइंग हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका, मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो ये एरो दिखा देता है। चलो ठीक है देख लीजिए आप, ऐसे ही आउटपुट देख लीजिए कि लेफ्ट की तरफ अलाइन हो गया। ऐसे अगर हम पॉजिटिव में रखेंगे तो राइट की तरफ अलाइन हो जाएगा, जस्टिफाई हो जाएगा, ठीक है। ये आप करके देख लीजिएगा, सिंपल रहता है स्ट्रिंग फॉर्मेट, ज़्यादा पूछते भी नहीं है, नॉर्मल रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं टोकन के बारे में, देख लेते हैं। टोकन के बारे में भी मैंने आपको बताया तो इसका भी हम देख लेते हैं प्रैक्टिकल। स्ट्रिंग टोकनाइजर हमारा एक क्लास होती है, उसके अंदर हमें यूज़ करना है, वेरिएबल बनाना है ST, फिर न्यू स्ट्रिंग टोकनाइजर। किसका हमें टोकन बनाना है वो देख लेते हैं। हमने कोई स्ट्रिंग देखी, रीड मी आई एम स्ट्रिंग, ठीक है। इसके कितने टोकन हैं, 1, 2, 3, 4, 4 टोकन हैं। तो हमारा जो अगर हम काउंट टोकन मेथड यूज़ करें तो हमारा 4 निकल के आना चाहिए, 4 हमारा निकल के आया, ठीक है। अब हमारा 4 तो निकल के आ गया, अब देखते हैं ST। ST हमारा ये है वेरिएबल, इसमें अगर टोकन्स हैं, हैज़ मोर टोकन, अगर ये ट्रू रिटर्न करता है तो हमारा हर एक टोकन ये इटरेटर की तरह यूज़ हो रहा है। मैंने आपको इटरेटर के बारे में बताया था, जो मैं आपको बता रहा था जब आपको क्वेश्चंस बता रहा था ऑटोमेशन के, तो इटरेटर के बारे में बताया था। सेम वैसे ही इटरेटर आपका यहाँ पे स्ट्रिंग टोकनाइजर में यूज़ होगा। हैज़ मोर टोकन अगर है तो नेक्स्ट टोकन हमारा प्रिंट होता जाए, जैसे रीड मी आई एम स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये मैंने आपको टोकन के बारे में भी बता दिया। यहाँ पे आपका स्ट्रिंग कंप्लीट हो गया। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा यार, क्या जा रहा है सब्सक्राइब करने में, मेरा ही तो मोटिवेशन बढ़ेगा और आपको अच्छे अच्छे कंटेंट ला के देता रहूँगा। स्ट्रिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है, कॉन्सेप्ट का सेक्शन आने वाला है, जल्दी शुरू होगा आगे, ठीक है। सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सब्सक्राइब ये रहा बटन, आपको PDF अगर भेजें तो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम की भी आपको लिंक मिल जाएगी। बस आपको यही बताना था। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।